Assalamualaikum students, आज का आपका टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक है और चैप्टर 3 से बिलोंग करता है ये। सबसे पहले देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या चीज़ है? प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास है और वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर लाजमन क्या प्रोड्यूस होगा? मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कहती है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रांजिट इन अ बॉडी। अगर एक बॉडी है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन को देखा जाए तो वो बताता है कि मोमेंटम। अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ, उसका मास का जो यूनिट होता है वो होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, या उसका दूसरा यूनिट जो है वो न्यूटन सेकेंड होता है। मोमेंटम को जो है वो पी कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मेन टॉपिक है आपका आज का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे बात करेंगे। कह रहा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, नाम इनका a और b है बॉडीज का। इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। जब वो आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्सेस का एक्सचेंज करती हैं, एफ ए और एफ बी दिखा रहे हैं यहाँ पे। और जब वो अलग होती हैं तो क्या होता है, इनकी वेलोसिटी में चेंज आता है, v1 और v2 हो जाती हैं। जो थीम बता रहा है वो क्या बता रहा है? इनिशियल मोमेंटम। अगर बॉडी ए का मोमेंटम देखें, m1 मास हो गया और वेलोसिटी क्या हो गया इसकी u1, तो m1 u1 जो क्या हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह हम बॉडी बी की बात करते हैं, मास m2 हो गया और वेलोसिटी क्या हो गई u2, m2 u2 क्या हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, मास m1 रहा और वेलोसिटी क्या हो गई चेंज हो गई v1, m1 v1 इसका फाइनल मोमेंटम हो गया बॉडी ए का। बॉडी बी की बात करते हैं, m2 जो इसका मास हो गया और वेलोसिटी क्या हो गई v2, m2 v2 इसका। ये आपने प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए डायग्राम वैसी मौजूद है, बॉडी ए है, m1 u1 है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर मास m1 का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है u1, मास m2 की इनिशियल वेलोसिटी u2, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि u1 ग्रेटर देन u2। अगर एक बॉडी पीछे से आ रही है जिसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो क्या करेगी? अटैक करेगी या इसको स्ट्राइक करेगी या इससे कोलाइड होगी। जब ये बॉडी इससे कोलाइड करती है तो इसके ऊपर फोर्स लगाती है जिसका नाम होता है एफ, और थर्ड लॉ के मुताबिक वही फोर्स रिटर्न में इसको मिलती है रिएक्शन के तौर पर, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, एज अ रिएक्शन फोर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसमें से एफ और एफ बराबर दिखा रहे हैं। और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, m1 और v1 की वेलोसिटीज, m1 और m2 की वेलोसिटीज अलग अलग दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो दोबारा ये बताता हूँ कि मैं m1 जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v2। इस बात करते हैं फोर्स एग्जर्टेड बाय द m1 क्या कहलाएगी f, और फोर्स एग्जर्टेड बाय द m2 क्या कहलाएगी -f। ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हैं तो इसमें से मैंने क्या कहा कि फोर्स इक्वल टू -f। थर्ड लॉ के मुताबिक न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं तो ma होता है मास, अगर बॉडी ये वन के लिए बात हुई है, m1 के लिए बात हो रही है तो m1 मास आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी बॉडी वन के लिए क्या थी v1, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u1। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी वो टाइम है जिसके लिए ये कोलाइड करे, बहुत छोटा टाइम है। माइनस वन एज इट इज आ गया आपके पास, एफ माइनस एफ जो था वो बॉडी m2 के लिए था तो मास इसके लिए क्या आ जाएगा m2, और दोबारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा vf माइनस vi अपॉन t। मास m2 के लिए इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या थी v2, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u2, v2 माइनस u2 अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t से डेल्टा की t कैंसिल हो गया आपके पास, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया m1 को v1 से तो m1 v1 हो गया, तो m1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का u1 माइनस का m1 u1 इज इक्वल टू ऐसे आ गया। ये माइनस साइन m2 से भी मल्टीप्लाई होगा, v2 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर होगा माइनस का m2 v2। फिर ये माइनस साइन m2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस u2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस m2 u2 प्लस का। ठीक है, उस इस वाली इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ साइड u1 वाली बननी है और कुछ साइड v1 वाली बन रही है, v2 वाली बन रही है। तो मैं क्या करता हूँ उसको अरेंज करता हूँ, u1 वाली जो साइड है माइनस का u1 m1
ये मैं उठा के उधर ले जाता हूँ इक्वल टू के साइड पे, जब उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एम वन यू वन, और इसी तरह ये जो माइनस का एम टू वी टू है, ये माइनस का है, उधर जाके इक्वल टू के सेट क्या होगा प्लस का, इसको मैं रीअरेंज करके दिखाता हूँ, एम वन प्लस एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू किसके बराबर है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये हमारे पास क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद का सारा मोमेंटम, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंजर्व रहा और ये लॉ जो है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। थैंक यू।